السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. जी शेख, मेरा सवाल है कि नमाज में वो हम पैंट या ट्राउजर को फोल्ड करके रखते हैं, तो क्या इससे नमाज मकरूह होगी, या अगर हम ऐसे ही फोल्ड करके रखें तो वो जायज होगा? ट्राउजर जो पहनते हैं उसको फोल्ड करना कैसा है शेख, नमाज में या आम? जी, तो वो मकरूह है कि अगर हम वैसे रखेंगे दिन भर, क्या वो जो टखनों से नीचे होता है उसकी बात कर रहे हैं? जी नहीं, हम फोल्ड करते हैं ना फोल्ड। हाँ, तो वो टखनों से ऊपर करने के लिए ही फोल्ड करते हैं ना भाई? जी, हाँ वही साफ साफ बोलिए ना कि वो जो है पांव से एक जो है 2-3 फीट जो है पांव से नीचे रखते हैं, 2-3 इंच। उसके बाद जब नमाज पढ़नी होती है तो फिर उनका दीन बेदार हो जाता है और उसको फोल्ड कर लेते हैं। देखिए, इसको गौर से सुनिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर फरमाया कि टखनों से नीचे जो कपड़ा है मर्द का, वो जहन्नम में। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों पर लानत भेजी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे आदमी की तरफ निगाह रहमत नहीं करेगा। और जो है कई तरह की वईद आई है ऐसे लोगों के लिए, अजाब अलीम की वईद आई है कि जो लोग टखनों से नीचे अपना पैजामा या पैंट या कपड़ा टखनों से नीचे रखते हैं, तो कपड़े को टखने से नीचे रखना ये हराम है हमेशा के लिए, चाहे वो नमाज में हो या नमाज से बाहर हो, इसका नमाज से कोई ताल्लुक नहीं है। आम तौर से हमारे यहाँ के मुसलमान इस मसले को नमाज से जोड़ के देखते हैं। इस मसले को नमाज से जोड़ना सही नहीं है, ये अलग मसला है। आप किसी भी हालत में, चाहे नमाज पढ़ रहे हो या नमाज से बाहर हो, कपड़े को, पैंट को, पैजामे को, शलवार को टखने से नीचे रखना ये हराम है। इस पर सख्त अजाब की वईद आई है जी। अब ये मसला है कि नमाज में, नमाज जब हम पढ़ने गए, हमारा कपड़ा टखने से नीचे है, और मान लीजिए हमने टखने से नीचे किए किए नमाज पढ़ लिया, तो क्या हमारी नमाज हो जाएगी? बिल्कुल हमारी नमाज हो जाएगी, उसका ताल्लुक नमाज से कुछ भी नहीं है। वो आप एक अलग हराम काम कर रहे हो, उसका ताल्लुक नमाज से नहीं है। अगर आप अपने कपड़े को मोड़ करके टखने से ऊपर करते हो तो गोया कि उतनी देर तक आपने आप इस बाल से बचे हो, उस हराम काम से बचे हो, वरना उसका नमाज से ताल्लुक नहीं है। इसलिए जो लोग ये समझते हैं कि पैंट को नीचे रखो, जब नमाज पढ़ना हो तो फोल्ड कर लो, अरे भाई जो पहले नीचे रखे हुए थे ना, वो हराम है, उसका नमाज से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप ये समझते हो कि हम ऊपर करके हमने जो है वो जो वईद आई है, हम उस वईद से बच गए सिर्फ नमाज में ऊपर करने से, तो हरगिज नहीं। ये बात जरूर है कि जितनी देर तक आपने फोल्ड किया उतनी देर तक उस हराम काम से आप बचे, बाकी उसका ताल्लुक नमाज से नहीं है, वो हमेशा के लिए मना है। आसिफ भाई, मतलब दूसरा सवाल उनका यही था, अगर कोई कंटिन्यू मोड़ करके ही रखता है तो उससे बेहतर आप कटवा लो ले जा करके। अब बिल्कुल, अगर जैसे आपको भाई फोल्ड करना पड़ रहा है, जैसे जो लोग नमाज में जब जाते हैं तो फोल्ड करते हैं, तो जाहिर है वो फोल्ड क्यों करते हैं। अगर आप उनसे पूछोगे कि आप फोल्ड क्यों करते हैं, तो कहेंगे कि मैं फोल्ड इसलिए करता हूं क्योंकि नीचे रहना ठीक नहीं है। तो भाई जब नीचे रहना ठीक नहीं है तो कटवा लो उसको, नमाज में सिर्फ क्यों फोल्ड करते हो, वो तो नीचे हमेशा रहना ठीक नहीं है। तो आप एक तरफ उसको नापसंद कर रहे हो तो फिर रखे क्यों हो उसको? जी मैं हमेशा फोल्ड करके रखता हूँ जी, हमेशा बाहर से नमाज के बाद। तो फिर लंबा सिलवाते क्यों है? फोल्ड करने में आपको कितनी दिक्कत होती है, आप लंबा क्यों सिलवाते हैं? वो तो रेडीमेड आता है ना सर, ट्राउजर या जींस कुछ भी। भाई कटवा लीजिए उसको। और देखिए आसिफ भाई, एक बात मैं आपको बता रहा हूं, आमतौर से इस तरह के मसाइल को लोग हल्के में लेते हैं, ये तो मामूली बात है, कपड़े से मुताल्लिक है, ये हल्की बात नहीं है। इसके सिलसिले में जो हदीस वारिद है, आप उसको पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस पर इतने सख्त वईद आई है, अजाब अलीम, लानत, अल्लाह ताला नजरे रहमत नहीं करेगा और उतना हिस्सा उसका जहन्नम में जाएगा। क्या ये कोई मामूली बात है? नहीं, ये कोई मामूली बात नहीं है। तो मतलब एक ऐसा काम जिसको आप आसानी से कर सकते हो, भाई अगर आप कपड़ा सिलवा रहे हो टखने से ऊपर सिलवाओ, अगर रेडीमेड खरीद रहे हो और टखने से ऊपर नहीं मिल रहा है, खरीदने के बाद आप कटवा लो जी। तो जब नमाज में जाते हो तो दीन दीन आपका बेदार हो जाता है। और ये सरासर जहालत पर मबनी है
कि इस मसले को नमाज से जोड़ के देखा जाए, नमाज से इसका ताल्लुक नहीं है, ये बिल्कुल अलग मसला है। जी कुछ लोग बोलते हैं इससे मकरूह होगी नमाज, क्या वो सच है? नहीं, नमाज से उसका कोई ताल्लुक नहीं। नमाज एक इसमें एक वजाहत कर दीजिए, क्योंकि लोग आमतौर से इसी में कंफ्यूज होते हैं, जैसे पैंट का मोड़ना या हाथ की आस्तीनों का मोड़ना, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कपड़े को नमाज में समेटने से मना किया है, जी, तो जी, जी, जो है लोगों को देखिए थोड़ा सा वजाहत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कफ्फुस सौब से मना फरमाया है नमाज में। कफ्फुस सौब का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मेरी ये आस्तीन है लंबी है, अब जब मैं नमाज पढ़ने जाऊं तो उसको चढ़ा लूं ऊपर, इसलिए चढ़ा लूं कि जब मैं सजदे में जाऊंगा तो ये जमीन पर जो है कपड़ा गिर जाएगा। या मान लीजिए मेरा जो पैजामा है या लुंगी है, जो भी आप पहने हैं, उसको थोड़ा ऊपर चढ़ा लो कि नीचे ना जाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया है, जब आप नमाज पढ़ रहे हो सजदे में जा रहे हो तो जिस तरह आप सजदे में जा रहे हो आपका लिबास भी जाना चाहिए सजदे में, उसको मोड़ना नहीं है। लेकिन ये किस कपड़े के लिए है? वो जो जायज कपड़ा आपने पहना हुआ है, हलाल कपड़ा पहना हुआ है, शरीयत के तरीके पर पहना हुआ है, उसके बारे में है। जो टखने से नीचे है वो तो ऑलरेडी हराम है, तो उसको तो किसी भी तरह से करके आपको टखने के ऊपर करना है, नमाज के बाहर भी नमाज के अंदर भी। तो जो कफ्फुस सौब का मसला है वो उस कपड़े के बारे में नहीं है जो टखने से नीचे जा रहा हो। टखने से जो नीचे जा रहा है उसको तो कटवाना है, मोड़ना है, जैसे आप उसका इलाज चाहो करो। ये उस उन कपड़ों के बारे में है जो हम जायज और शरई कपड़ा पहने हुए हैं। तो जब नमाज पढ़ने का इरादा करें तो खास तौर से नमाज के पढ़ने के लिए उसको ना मोड़े। जैसे कोई आदमी पहले से मोड़ा हुआ है आस्तीन, बहुत सारे लोग शर्ट की आस्तीन मोड़े हुए हैं पहले से, अब वो मस्जिद में गया तो मोड़े मोड़े पढ़ सकता है वो, क्योंकि पहले से मोड़ा हुआ है। हाँ, अभी उसकी आस्तीन खुली हुई थी, अब मस्जिद में गया तो आस्तीन चढ़ा रहा है, तब इससे मना किया गया। जैसे आमतौर पर लोग वुजू करते हैं, आस्तीन चढ़ी होती है वुजू करने में, जमात खड़ी होती है तो वो वुजू करके आके नमाज में खड़े हो जाते हैं। बेहतर यह है कि वो आस्तीन खोल ले, ताकि जो है वो किसी भी तरह से शक वाली बात में दाखिल ना हो, कहीं ऐसा ना हो उस वईद में दाखिल हो जाए। तो बेहतर यह है कि वो आस्तीन वगैरह खोल ले, सारे कपड़े अपने असली हालत में करके फिर नमाज पढ़े।